तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डी की सीरीज, जिसमें कि आप सबको पता है कि हम टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते हैं और आज आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो. ठीक है, और इसके अलावा आप अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि इसके अलावा हम आपके लिए और क्या चीज़ लेके आ सकते हैं जो आपको अच्छी लगे. ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि ताकि जो भी है आपके हिसाब से ही मेनली कंटेंट इस चैनल पे जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, ग्राफीन के बारे में. किसके बारे में बताना है? ग्राफीन के बारे में बताना है. तो सबसे पहले, ग्राफीन डज नॉट एब्जॉर्ब और डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो याद रखना, जो ग्राफीन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब भी करता है और डिसिपेट भी करता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वो एब्जॉर्ब भी करता है और डिसिपेट भी करता है. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है. सेकेंड है, ग्राफीन इज हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस विच मेक इट एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट. बिल्कुल याद रखना, ग्राफीन हाईली सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, जो मेनली इसको एक एक्सीलेंट कैंडिडेट बनाते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स को सेंस करने के लिए. थर्ड बोल रहे हैं कि यूएस एंड जापान आर ग्लोबल लीडर्स इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन. तो याद रखना, ग्राफीन को, ग्राफीन के जो कमर्शियल प्रोडक्शन में जो ग्लोबल लीडर्स हैं आज के टाइम पे, वो हैं चाइना एंड ब्राज़ील. ठीक है, यूएस और जापान नहीं है, मेनली कौन है? चाइना एंड ब्राज़ील. ठीक है, चाइना एंड ब्राज़ील मेनली ये दो कंट्रीज़ हैं जो मेनली इसके ग्लोबल प्रोडक्शन में मेनली क्या हैं, बिल्कुल आगे हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो हमारी केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है? बी हो जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी. और ये याद रखना, सिंगल लेयर में आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे सिंगल लेयर की ये एक लेयर होती है, कार्बन की शीट होती है. ठीक है, सिंगल लेयर मेनली ये कार्बन शीट होती है, जिसका मतलब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. कैसा होता है इसका? मेनली हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. ये है हमारा ग्राफीन. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है ए. आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. सबसे पहले, द वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इट्स टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्पीड. तो एक चीज़ देखो आप, एयरक्राफ्ट में आपके जो लगेज है उसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम अमाउंट होता है, कि उतना ही आप ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते. अगर वेट का कोई मतलब ही नहीं होता तो फिर कितना भी वेट सब ले जा सकते थे. समझ रहे हो, इसका मतलब वेट का तो फर्क होता है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल ये स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है कि वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. बिल्कुल इफेक्ट होता है. ठीक है, इफेक्ट होता है टेक ऑफ और लैंडिंग की स्पीड पे. ठीक है, जब वेट ज़्यादा होता है तो स्पीड ज़्यादा करनी पड़ती है टेक ऑफ और लैंडिंग की, और कम होता है तो नॉर्मल में काम चल जाता है. ठीक है, सेकेंड है, द मैक्सिमम वेट एन एयरक्राफ्ट कैन कैरी इज इम्पैक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द रनवे. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. अगर एयरक्राफ्ट पे मतलब ज़्यादा वेट है तो क्या क्या होगा, उसको ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा और ज़्यादा लंबा दौड़ना पड़ेगा, मतलब भगाना पड़ेगा एयरक्राफ्ट को. ठीक है, तो मतलब रनवे की भी लेंथ पे डिपेंड करता है, रनवे की भी लेंथ उससे इम्पैक्ट होती है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो केवल सेकंड हमारी करेक्ट है. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कि डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हेलमेंड रिवर. देखो, हेलमेंड रिवर के बारे में एक डिस्प्यूट चल रहा है वाटर शेयरिंग पे, तो ये किस किस कंट्री के बीच में. देखो, अगर आपको इसके बारे में पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता. और मेनली ये किस किस के बीच में, हेलमेंड रिवर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में. अफगानिस्तान से ये निकलती है, ईरान में जाती है, दोनों के बीच में उसी चीज़ पर डिस्प्यूट है. ठीक है, तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में मेनली ये डिस्प्यूट है. ठीक है, तो ये देखो आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये इधर जो है जो डार्क ग्रे में है वो अफगानिस्तान है, और इधर है हमारा ईरान. और आपको ये हेलमेंड रिवर दिख रही होगी. ठीक है, ये हेलमेंड रिवर दिखी होगी, इसके ऊपर एक काजाकी डैम भी दिख रहा होगा. ठीक है, तो काजाकी डैम कौन से रिवर के ऊपर है? हेलमेंड रिवर के ऊपर है. और ये लास्ट में कहाँ जाके गिरती है? हेमन लेक में. और हेमन लेक एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ईरान का. ठीक है, तो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है.
ठीक है, तो ये बहुत डिसएग्रीमेंट है शेयरिंग ऑफ वाटर के ऊपर। वोलेंट कन्फ्रंटेशन होती रहती है दोनों के बॉर्डर पे। हेलमेंट रिवर मेनली कहाँ से निकलती है? अफगानिस्तान के पास से, जो मेनली काबुल के पास का जो एरिया, वहाँ से मेनली जो हेलमेंट रिवर वो निकलती है। ठीक है, और मेनली कहाँ पे जाके? लेक हेमन में जाके गिर जाती है। तो लेक हेमन कहाँ पे है? ईरान में। और हेलमेंट रिवर कहाँ पे है? अफगानिस्तान की रिवर से वहाँ पे आती है। ठीक है, तो लेक हेमन मेनली किससे फेड होता है? हेलमेंट रिवर से, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईरान में। ठीक है, और ये वाइटल सोर्स है अफगानिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए। तो हेलमेंट जो रिवर है वो दोनों के लिए एक वाइटल सोर्स ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर है क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर है क्योंकि अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, वो बोलते हैं कि ये हमारा पानी है इसका। ईरान का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वहाँ पे आके गिरती है। ठीक है, और ड्रॉट के कारण ये लेक जो है ड्राई अप हो रहा है। द लेक हैज़ एक्सपीरियंस ए ड्रास्टिक डिक्लाइन। देखो, ऐसी ऐसे जो चीज़ें ना आती हैं, अब की बार के प्रीलिम्स में भी ये चीज़ आई थी कि कौन से जो लेक्स हैं वो सूख रहे हैं। ठीक है, कौन से ड्राई अप हो रहे हैं, ड्राउट हो गए, कौन सा बिल्कुल सूख गया है। तो वैसा ही क्वेश्चन है कि ये भी ड्राई अप हो रहे हैं, जो लेक है वो मेनली ड्रास्टिक डिक्लाइन हो रहा है उसके वाटर लेवल में, और मेनली ड्राई अप हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे डैम बन रहे हैं, वाटर कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके कारण। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ये भी डैम क्या हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो 1973 में इन्होंने एक हेलमेंट रिवर ट्रीटी करी थी, जो आपस में दोनों तोड़ वोड़ रहे हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान ब्लेम कर रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स को कि उसका वाटर फ्लो रिड्यूस हो गया है, जबकि ईरान बोल रहा है कि आपने डैम वैम बहुत सारी चीज़ें उस पर बना दी हैं, इसीलिए यहाँ पर वाटर उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, और जबकि वो जो लेक सूख रहा है वो क्लाइमेट चेंज के कारण। वो तो दोनों में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, और चीज़ें तो अलग हैं, तो ये मेन चीज़ें ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। हेलमेंट रिवर अब आप शायद कभी नहीं भूलोगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? इंडियाज एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज, जो मेनली एक्सकेवेटेड रॉक कैवरन से बनी हुई है, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? देखो, मेंगलुरु में भी लोकेटेड है, पेडूर में भी लोकेटेड है, और विशाखापट्टनम में भी लोकेटेड है। तीनों में ही लोकेटेड है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कैच है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो यहाँ पे एक कैच है। क्या? देखो, मेंगलुरु तो कर्नाटका में है, पेडूर भी कर्नाटका में है, ये तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, याद रखना ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका में है, और विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में। ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने ओनली टू क्यों लिखा है? वैसे तो तीनों ही जगह पे, मैंगलोर में भी है, पेडूर में भी, और विशाखापट्टनम में भी है, लेकिन ये जो इसकी प्लेस है वो रॉन्ग लिख रखी है। ठीक है, दिखा भी देती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने जो आपको दिखा रहा है ना, ये जो इसमें मैप दिख रहा है, ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो इंडिया में है। देखो, पेडूर आपको दिख रहा है ऊपर है, अगर आप लोकेशन भी पता करने की बजाय, मैंगलोर नीचे है। ठीक है, तो पेडूर ऊपर है, ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, यहाँ पे मैंगलोर नीचे है, विशाखापट्टनम इधर है। ठीक है, और दो और देखो, ये तो तीन तो चल ही रहे हैं, साथ में इसके अलावा दो और भी बनाए जा रहे हैं। आपने न्यूज़ में पढ़ा हो, एक तो चांडीकोले जो उड़ीसा में है, एक नया बनाया जा रहा है, और दूसरा है हमारा पेडूर कर्नाटका में, ये 2.5 मेट्रिक मिलियन टन का, ये भी एक और नया मतलब ऑयल रिजर्व यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दो और बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे और भी डेवलप की जा रही है। तो इसके बाद हमारे पहले ये जो येलो पॉइंटर हैं, ये मेनली अभी काम कर रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग है, और उसके अलावा जो ब्लू में है, ये मेनली आगे काम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको, आपको मैप के थ्रू शायद याद रह जाए। ठीक है, और इस मैप के थ्रू आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही होगी कि इंडिया में टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है कितनी, 5.33 मेट्रिक मिलियन टन। तो हमारी पहले थी, फेज़ वन में हमने की थी, और अभी अपकमिंग कितने आने वाली है वो आप देख रहे हो, 6.5 मेट्रिक मिलियन टन हम और बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतनी हमारी हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, अप्रोक्स 12 के आसपास हमारी जो 12 मेट्रिक मिलियन टन के आसपास हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये भी एक और चीज़ मैं बतानी भूल गई थी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जाता है वो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है? हमें बताना है किसके बारे में, नोटा के बारे में। ठीक है, नोटा प्रोविजन जो ईवीएम में है वो उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले है जो ये प्रोविजन था नोटा का, ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इंक्लूड किया गया है। कहाँ, किसकी डायरेक्शन से? सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई थी उससे मेनली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकेंड है, नोटा ऑप्शन इनेबल द इलेक्टर्स टू एक्सरसाइज देयर राइट टू रिजेक्ट विदाउट वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ देयर डिसीजन। बिल्कुल उनको राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है नोटा के थ्रू, बिल्कुल सही है। थर्ड है, राइट टू से नन ऑफ द अबो कॉन्स्टिट्यूटेड ए बेसिक राइट ऑफ द वोटर्स।
ये मेनली किसके बारे में बताता है, बेसिक राइट ऑफ वोटर्स के बारे में बताता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ये मेनली बेसिक राइट ऑफ वोटर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो केवल दो ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसके बारे में। ठीक है, तो नोटा के बारे में पता चल गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्लोज कौन सा, कौन से इनमें से, इन ये तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्लोजेस्ट कौन सा है। तो डिसीजन टेकन बाई ग्राम सभा, देखो ये नहीं रखा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सा है, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता तो इसमें से कोई भी नहीं होता। अब बोल रखा है क्लोज टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सा, देखो ग्राम सभा अगर किसी चीज में डिसीजन लेती है तो यस इट इज क्लोज टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिल्कुल बिल्कुल ग्रास रूट लेवल हो गया ना वो, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं कि डिसीजन टेकन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, अब लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की डिसीजन ले रही है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगी, वो तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी जो आजकल मेनली इंडिया में भी होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है डिसीजन टेकन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, अगर कोई भी डिसीजन अगर किसी कंपनी के इंप्लॉयज लेते हैं तो उसको तो फिर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जा सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं तो वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, आर्टिकल 142 के बारे में बताना है। किसके बारे में, आर्टिकल 142 के बारे में। आपने पढ़ा भी होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 124 से लेकर 142 तक के जो आर्टिकल है वो किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। और जो लास्ट आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है कंप्लीट जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन कौन से मेजर लेता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, वो आते हैं आर्टिकल 142 में। ठीक है, तो मेनली 142 में कौन से आर्टिकल आते हैं जो मेनली कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आते हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, डबल जियो पार्टी। देखो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी का मतलब होता है किसी को भी सेम क्राइम के लिए डबल सजा ना मिले। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए उसको दो बार सजा ना मिले, उसको बोलते हैं डबल जियो पार्टी, नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इट मींस इसका मतलब ये है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, बिल्कुल सेम ऑफेंस के लिए उसको एक से ज्यादा बार सजा ना मिले, उसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है ए पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी इज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल, और ये हमारा क्या है एक फंडामेंटल राइट भी है। मेनली कहाँ पे दिया गया है, ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 20 के सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 20 में मेनली दिया हुआ है डबल जियो पार्टी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आपको पता है। तो दोनों तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसके बारे में क्या हो जाता है, सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। सबसे पहले है द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो बिगनिंग है वो 1861 के एक्ट में हमें 1861 के एक्ट से हमें क्या क्या देखने को मिल मतलब देखने को मिलती है, स्टार्टिंग वहां से होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 1853 के एक्ट से स्टार्ट होती है। कहाँ पे, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था वहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम की बिगनिंग होती है, तो ये 1861 के काउंसिल एक्ट से नहीं होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैकॉले कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, तो याद रखना इंडियन सिविल सर्विसेज की के लिए जो मैकॉले कमेटी का अपॉइंटमेंट था वो रिकमेंड किसने किया था, वो किया था वो भी 1853 में ही किया था, किसने किया था, 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था, ये भी 1833 में नहीं हुआ था। थर्ड है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा भी होगा कि चार्टर एक्ट 1833 में सारी पावर जो है मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको दे दी गई थी। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं इसके बारे में। तो हमारे पहले दो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी जो है इसके बारे में करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या कहता है, ए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, गवर्नर के ऑफिस के बारे में। किसके बारे में, गवर्नर के ऑफिस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है हिज ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर द कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि जो मेल इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नर का ऑफिस इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, किसी के अंदर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग लिख रखी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है द गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट, ये बोल रहे हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं होना चाहिए, नहीं, केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो ही चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए,
एक 35 ईयर एज से उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, 35 से उनकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है। ये कन्वेंशंस के थ्रू बनाया है कि यस वो गवर्नर जो है वो स्टेट के बाहर से होनी चाहिए, ताकि उनकी जो है वो ना हो, क्या ना हो, मेनली पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहे, वो किसी स्टेट से मतलब वो ना हो। तो ये स्टेटमेंट सही है वैसे तो, कि गवर्नर जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट के बाहर से होने चाहिए, लेकिन ये कन्वेंशन के थ्रू बना हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर कन्वेंशन के थ्रू बना हुआ है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। थर्ड है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट द सीएम ऑफ द कंसर्न स्टेट बिफोर मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो याद रखना, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को यस सीएम कंसल्ट मतलब कंसल्ट करना चाहिए सीएम को जब भी किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये भी थ्रू कन्वेंशंस के थ्रू मतलब ये हो गया है कि यस ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो सारे ही स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट लिख रखे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तो इसमें से एक भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। तो इसी नोट पर जो हमारे टोटल इसके जो है हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को या चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि जो है इस चैनल का भी जो कैनवास है या फिर जो ऑडियंस है वो और बड़ी हो और चैनल अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। तो आप भी हमारी ग्रोथ स्टोरी में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, क्या करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो, ठीक है, जो थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी उससे, और आपका तो हो ही रहा है फायदा, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।